करना चाहेंगे, जो हमारे मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। और मेरे शिक्षकगण जो है जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया उनका भी धन्यवाद। आज हम आपको बताने जा रहे हैं योगासन करने का सामान्य क्रम एवं समय, कि योगासन करने का सामान्य क्रम क्या है और समय क्या है। योगासन करने का समय तो ये सुबह जैसे 5 से 6 बजे तक अर्ली मॉर्निंग का बढ़िया रहता है, या शाम को खाना खाने के 3 घंटे बाद करें। इसके लिए क्या होना चाहिए, योग का आज के दैनिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। योग के द्वारा व्यक्ति के सृजनात्मक शक्तियों, भावों, विचारों व क्षमताओं को विकसित कर हम एक विकसित व्यक्तित्व की संभावना पूरा कर सकते हैं। इसके कारण जैसे बहुत ही बीमारियां हो जाती है, आजकल डायबिटीज हो रही है आजकल जमाने में देखा जाए, या बहुत से गुर्दे संबंधी बीमारी हो रही है। अगर हम योग करते हैं तो हम अपने हृदय को जैसे हृदय की बीमारी हो रही है इन सबको दूर कर सकते हैं। तो आज हम बताएंगे इसके बारे में योगासन का क्रम क्या है। सबसे पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन, इसके बारे में हमारी मैम आपको बताएंगे। योगासन कई प्रकार से किए जाते हैं, खड़े होकर, बैठकर और लेटकर। इसमें से सबसे पहले है खड़े होकर आसन कौन कौन से किए जाते हैं। पहला आसन किया जाता है ताड़ासन। उसमें लंबी सांस खींच के ऐसे ऊपर कोई ऐसे करते हैं तो इससे हमारी लंबाई बढ़ती है और फेफड़े जो है वो मजबूत होते हैं। दूसरे खड़े होकर जो दूसरा आसन होता है वो होता है वृक्षासन। वृक्षासन करने से हमारी मन की जो चंचलता है वो दूर होती है और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हम ध्यान की तरफ बढ़ सकते हैं। और तीसरा है उत्कटासन। उसमें हम लेट के 90 डिग्री कोण बना के पैरों को जो ऊपर उठाते हैं उससे हमारे घुटने मजबूत होते हैं और जो पेट रीढ़ की हड्डी होती है वो मजबूत होती है। अब इसी क्रम में अब मैं प्रीति मैडम को बुलाना चाहूंगा, वो आपको बैठकर किए जाने वाले आसन के संबंध में बताएंगे। बैठकर किए जाने वाले आसन जैसे मंडूकासन, शशकासन, वज्रासन, पद्मासन। उसमें से वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो भोजन के उपरांत किया जाता है, और ये भोजन के उपरांत करने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है, हमारी जठराग्नि को की वृद्धि करता है, इसलिए ये आसन महत्वपूर्ण है हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाने में और उसको व्यवस्थित रखने में। एक आसन है पद्मासन। पद्मासन बैठकर में किया जाने वाला आसन है। इसमें व्यक्ति का ध्यान बढ़ाने के लिए किया जाता है और एकाग्रता इससे बढ़ती है और इसमें भी जठराग्नि की वृद्धि होती है। जठराग्नि हमारे जो पेट में जो बहुत ही आवश्यक है भोजन के पाचन में, इससे भी वृद्धि होती है। इसी के साथ अब आपको बताएंगे कि लेटकर किए जाने वाला आसन, इसको 2 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पेट के बल लेटकर, नंबर 2 पेट के बल लेटकर मयूरासन किया जाता है। मयूरासन में क्या किया जाता है, हमारी पाचन शक्ति बड़ी मजबूत होती है। इसके साथ हमारे अंग है, हृदय है, दिल है, फेफड़ा है, ये मजबूत होते हैं। और पीठ के बल के लेटकर किए जाने वाले के संबंध में मैडम की बताइए। सबसे आखिर में हम करते हैं पीठ के बल लेटकर आसन, तो उसमें है शवासन। योग सत्र को एक्चुअली खत्म करने के लिए हम आखिर में शवासन करते हैं। होता है कि हमें शरीर में इससे क्या होता है, हमें नई स्फूर्ति और आनंद की प्राप्ति होती है, शरीर रिलैक्स हो जाता है, थकान दूर हो जाता है। और भी जो है पहले आसन लेके और संस्कार के नाम बताओ, अंतिम संस्कार लोग पहले होते हैं। और ये बहुत अच्छा आसन है, प्राणायाम और आसन करने के बाद इसको जरूर करना चाहिए 2 से 5 मिनट तक कम से कम, शरीर रिलैक्स और शांत हो जाता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक पूरा हुआ। आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने इसको सुना, बहुत अच्छा जवाब लो सर की तालियां बजवा लें सबके लिए। राकेट ताली देख लेंगे पहले। राकेट ताली राम।